हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, राखी और आदिल के केस को लेकर आई है बड़ी खबर सामने। आप जानकर रह जाएंगे हैरान, लेकिन आखिर फिर से राखी ने मीडिया के सामने बहुत बड़ा प्रूफ दिया है। वेल, आप तो जानते ही हैं, राखी और आदिल का केस जब से शुरू हुआ है तब से इस केस का मीडिया ट्रायल चलता ही रहा है। राखी मीडिया के सामने आकर अलग अलग सबूत और बयान देती ही रहती हैं। ऐसे में एक और बड़ा सबूत राखी ने रखा है मीडिया के सामने, जिसके थ्रू वो प्रूव करना चाहती हैं कि किस तरीके की फैसिलिटी मिल रही है आदिल को पुलिस स्टेशन के अंदर, और साथ ही क्या कर सकता है वो जेल में बैठकर। वेल, क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं टेली टॉकीज की इस रिपोर्ट में। लेकिन उसके पहले, अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो डू सब्सक्राइब एंड नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आइए चलते हैं अब खबर की ओर। दोस्तों, आपको बता दें कि राखी के केस का मीडिया ट्रायल चलता ही रहता है, और जो हालिया मीडिया ट्रायल या कहें कि मीडिया से बातचीत हुई राखी की, उस दौरान राखी ने एक ऑडियो कॉल सुनाया। जी हाँ, राखी की बात हुई एक आदमी से जिसने अपना नाम जिगर बताया था। उसने आदिल का दिया हुआ ऑफर राखी के सामने रखा। पहला ऑफर था सेटलमेंट का। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। उस आदमी ने राखी से कहा कि आदिल जानना चाहते हैं कि आपको क्या चाहिए, सेटलमेंट क्यों नहीं कर लेते हैं हम, जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं उन सारे पे सेटलमेंट कर ली जाए और केस को ख़त्म कर दिया जाए। उस कॉल के थ्रू दूसरा बड़ा खुलासा हुआ कि सेटलमेंट के लिए ही आदिल बुला रहे थे राखी को जेल में, लेकिन बहाना कुछ और ही लगाया उन्होंने। उस आदमी ने राखी से कहा कि आदिल बहुत दिन से जेल में खाना नहीं खा रहे हैं और उनके पास कपड़े भी पहनने के लिए नहीं हैं, आप उनसे एक बार मिल क्यों नहीं लेती हैं। राखी ने कहा कि मैं कैसे मुलाकात कर सकती हूँ। आदमी ने कहा कि उसकी सारी अरेंजमेंट हम कर देंगे, लेकिन आप एक बार आदिल से मिल लीजिए। आपको बता दें कि लास्ट टाइम आदिल के लॉयर ने एलिगेशंस लगाए थे कि राखी चाहती हैं सेटलमेंट। तब राखी ने बताया था कि वो सिर्फ और सिर्फ आदिल को कपड़े देने गई थी, किसी सेटलमेंट के लिए नहीं गई थी। और यही सबूत राखी ने मीडिया के सामने रखा है कि उन्हें बुलाया गया था, उन्हें कपड़े देने थे, इसलिए वो पुलिस स्टेशन गई थी, जेल गई थी, आदिल से मिली, उनको सेटलमेंट नहीं चाहिए था, सेटलमेंट का ऑफर तो सामने से आया था। साथ ही आपको बता दें कि राखी उस जिगर के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि आखिर क्यों किया है आदिल ने मेरे साथ ऐसा। लेकिन आपको बता दें कि उस आदमी ने कहा कि इन सारी बात को हटाइए और अभी आदिल पर ध्यान दीजिए। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। इस मीडिया इंटरव्यू के दौरान राखी ने बताया था कि आदिल उनसे कई बार कह चुके हैं कि वो उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं और उस लड़की के साथ रहना चाहते हैं। वेल, राखी जो सबूत सामने रखना चाहती थी कि सेटलमेंट राखी को नहीं चाहिए, और दूसरा आदिल को पुलिस स्टेशन में रहकर भी काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जैसे कॉल टेक्स्ट मैनेज करना और लोगों से कॉन्टैक्ट करना, राखी ने ये सबूत मीडिया को प्रोवाइड कर दिया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।